जीरोधा में होल्डिंग और पोजीशन क्या होता है। तो दोस्तों जीरोधा में ये आपका जो पोर्टफोलियो वाला जो सेक्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इस तरह से लेफ्ट राइट अगर आप स्क्रॉल करेंगे, मैं इसको इस तरीके से मैं दोनों साइड स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए ये इधर को स्क्रॉल किया तो पोजीशन, इधर को स्क्रॉल किया तो होल्डिंग। तो ये एग्जैक्टली क्या होते हैं और यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं उन सबका क्या मीनिंग है, यहाँ ये जो चीज़ें लिखी हैं उसका क्या मीनिंग है, ऐसे यहाँ पोजीशन वाले सेक्शन में भी आप जाएँ तो यहाँ क्या चीज़ें दिख रही हैं, तो ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कोई भी शेयर, जैसे मान लीजिए आप ये वॉच लिस्ट में जाके यहाँ पे आप सारे शेयर देख सकते हैं, इनमें से कोई भी शेयर जब आप ख़रीदते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये शेयर अभी यहाँ पे अगर मैं इसको इधर स्वाइप करके मैं ये शेयर ख़रीदूँ, तो पहले जो है वो जो ऑर्डर है वो आपका यहाँ ऑर्डर्स में दिखाई देता है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। जब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है वो ऑप्शन में दिखता है, फिर जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो एग्जीक्यूटेड में आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे एग्जीक्यूटेड सेक्शन में या आज के बहुत सारे ये जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन वाले ट्रेड हैं, तो आप इनको स्किप कीजिए, लेकिन आपको मतलब यहाँ से ऑर्डर यहाँ आ जाता है और जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपके शेयर जो हैं वो आपके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो आज आपने जो ट्रेड किया है वो आपको दिखाई देता है आपके पोजीशन वाले सेक्शन में, जो कि ये सेक्शन है। देखिए तो ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है ये मेरे आज ट्रेड है। देखिए अब जैसे ये आप ये एक मैंने अभी वीडियो बनाया था, तो मैंने एक जो है कोटक के कुछ शेयर बाय किए थे और सेल किए थे, ये MIS में यानी इंट्राडे में मैंने बाय सेल किया है। इसी तरह से ये मेरा एक ऑप्शन का ट्रेड है जो क्लोज हो चुका है, ये भी मेरा एक ऑप्शन का ट्रेड है जो क्लोज हो चुका है, और ये मेरे दो ऑप्शन के ट्रेड जो हैं जो अभी चल रहे हैं और दोनों अभी लॉस में चल रहे हैं। ये MIS ट्रेड है यानी इंट्राडे का ट्रेड है, यानी 3:25 से पहले क्योंकि ऑप्शंस का, इसलिए 3:25 अगर आपका इंट्राडे का शेयर का ट्रेड हो तो 3:20 से पहले आपको एग्जिट करना पड़ता है। और ये मेरा नॉर्मल ट्रेड है, मैं इसे कल के लिए भी मैं या कल या परसों जब भी आगे के लिए मैं कैरी फॉरवर्ड में कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज आपने जो भी बाय सेल किया है वो आपको इस सेक्शन में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपने कोई शेयर बाय किया है, ठीक है, मान लीजिए आपने इन्फोसिस का कोई शेयर बाय किया, तो अगर आज बाय किया है तो फर्स्ट डे पे आपको जो है वो आपके पोजीशंस में दिखाई देगा, ठीक है। जब फर्स्ट डे उसका होगा तो आपको वो पोजीशंस में दिखाई देगा, और अगर आपने आज ही बाय किया और आज ही एग्जिट कर दिया उसको, एग्जिट मतलब सेल कर दिया, तो उसे हम इंट्राडे ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको जो है वो जैसे ये वाला ट्रेड दिखाई दे रहा है नीचे कोटक बैंक का, ये देखिए अभी इसकी क्वांटिटी जीरो है, यानी ये मैंने आज ही बाय किया और आज ही सेल कर दिया और मुझे ना प्रॉफिट ना लॉस कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो मार्केट ऊपर नीचे घूम के वहीं आ गया, तो मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस पे उसको एग्जिट कर दिया। तो ये आपको दिखेगा आपके पोजीशंस वाले सेक्शन में। लेकिन जब कोई शेयर आपने बाय कर लिया और उसे सेल नहीं किया, ठीक है, आज सेल नहीं किया, तो अगले दिन वो यहाँ से मूव होके और आपकी होल्डिंग में आ जाता है, ठीक है। तो अभी जैसे आप होल्डिंग में देखें, तो मैं जैसे स्क्रॉल करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है, देखिए ये HDFC बैंक का हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो ये HDFC बैंक जो है, ये एग्जांपल देखिए, इसमें मैंने कल 550 शेयर जो हैं वो खरीदे थे और उससे पहले के मेरे 1100 शेयर और पड़े हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये यहाँ क्वांटिटी दिखा रहा है कि 550 शेयर मेरे पास हैं, और ये पी जो लिखा हुआ है, पी का मतलब दोस्तों होता है प्लेज्ड, PLEDGED, प्लेज्ड यानी कि गिरवी रखे हुए। तो ये जो आपको ज़्यादातर शेयरों में दिखाई देगा, देखिए मेरे ज़्यादातर शेयर जो हैं वो मैं गिरवी रखता हूँ और उसके बदले हमको एक जो है वो फंडिंग मिलती है। वो फंडिंग अगर आप यहाँ पर जाएँ इस तरीके से, और ये फंड वाले सेक्शन में अगर आप यहाँ क्लिक करें ऐसे और नीचे लेके जाएँ, तो यहाँ पर आपको जो है दिखाई देता है कि आपके कितने का कोलेटरल आपने रखा हुआ है और उससे आपको फंडिंग मिलती है। तो ये फंडिंग जो है वो आपके ये होल्डिंग वाले जो शेयर हैं इनको प्लेज करने से मिलती है, और इनसे आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में एडिशनल ट्रेड कर पाते हैं, तो आपको ज़्यादा पैसा अपने इस अकाउंट में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो होल्डिंग वो सेक्शन है जहाँ पर आपके शेयर DP में आ चुके हैं। DP मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ओके, ठीक है। अब ये क्या होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एक्चुअली इंडिया में दो कंपनियाँ हैं, एक है CDSL और एक है NSDL। जीरोधा जो है वो अपने शेयर CDSL एक जो है वो डिपॉजिटरी है उसके पास रखता है, ऐसे ही बहुत सारे दूसरे जो ब्रोकर हैं वो NSDL के पास रखते हैं। तो हमारे शेयर जो हैं वो CDSL के पास सेफ रहते हैं, और CDSL के पास जो शेयर पहुंच गया है वो हमको यहाँ पे होल्डिंग में दिखाई देता है। तो होल्डिंग में हमारे लॉन्ग टर्म वाले शेयर जो हैं वो आपको दिखाई देते हैं,
अच्छा, इसमें एक और चीज, जो शेयर आप प्लेज करते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो दिखाता है। तो अभी आपको यहाँ दिखाता है कि आपका कितना पैसा इन्वेस्टेड है, लेकिन ये सिर्फ उन शेयर का दिखाता है जिनकी जो प्लेज नहीं किए हुए हैं। अब देखिए, ये भी प्लेज किया हुआ है, इसकी वैल्यू जीरो, ये प्लेज किया हुआ है, इसकी वैल्यू जीरो। लेकिन जो प्लेज नहीं किया हुआ, जैसे अभी मैं आपको HDFC का एग्जाम्पल दिखा रहा था, यहाँ पे 1100 प्लेज किया हुआ है, 550 प्लेज नहीं किया हुआ है। तो 550 का जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि 898,000 कुछ है, और लास्ट डेट प्राइस ये है, और उस 550 में अभी इतना प्रॉफिट चल रहा है। तो जो आपने प्लेज नहीं किए हुए हैं उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, जो आपने पैसा कितना लगाया है उसकी अभी वैल्यू कितनी है, और जो प्लेज नहीं किए हुए हैं उसका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अभी कितना चल रहा है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये सारे जो फील्ड हैं ये आपको होल्डिंग में दिखते हैं, और पोजीशन में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी क्वांटिटी दिखती है, आपने किस एवरेज प्राइस पे ख़रीदा है, क्या ख़रीदा है, वो कौन से एक्सचेंज में ख़रीदा है। जैसे ये NFO जो है, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला एक्सचेंज है, लेकिन आप यहाँ कोटेक वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि NSE में ख़रीदा था, अभी क्वांटिटी ज़ीरो है। ये इंट्राडे के लिए ख़रीदा हुआ है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस है, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या दिख रहा है। तो इसी तरह से आप जो है वो देख सकते हैं कि आज दिन भर में आपका पोजीशंस क्या चल रहा है, और आपके डिपॉजिटरी में जो है वो क्या रखा हुआ है, और उसकी वैल्यू कितनी ऊपर नीचे हो रही है, ये बताता है आपको होल्डिंग्स एंड पोजीशंस। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो, अगर हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्सअप देना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।